श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं भारत समाचार। करते हैं खबरों की ओर। खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मायावती को ऑफर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ये ऑफर दिया गया है। अखिलेश कांग्रेस के बीच शुरू हुए खींचातान के बीच ये ऑफर दिया गया है। गठबंधन में शामिल किए जाने को लेकर बोले हैं, कांग्रेस एक समुंदर है, जो आए उसका स्वागत है कहा गया है। मायावती कांग्रेस में आए और देश को बचाएं, कृष्णम की तरफ से ये कहा गया है। तो गठबंधन में शामिल होने को लेकर ये बातें कही गई हैं, जहां कांग्रेस एक समुंदर है, जो आए उसका स्वागत है। मायावती कांग्रेस में आए और देश को बचाएं, कृष्णम की तरफ से कहा गया है। एक समंदर है, इसमें जो आए हम तो स्वागत करते हैं। हम तो मायावती जी से भी निवेदन करना चाहेंगे, वो भी कांग्रेस में आ जाएं, देश को बचाएं, हमारे साथ हैं। मगर आना ना आना ये तो उनका फैसला है। तो प्रमोद कृष्णन हमसे जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। धन्यवाद। आपने मायावती को ऑफर दिया है गठबंधन में शामिल होने के लिए। देखिए, अगर भाजपा को हराना है तो सबको साथ मिलकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में बहन मायावती के बिना, उनको साथ लिए बिना बीजेपी को नहीं हराया जा सकता है। इसलिए इंडिया गठबंधन अगर बीजेपी को हराने के लिए बन रहा है तो एक बड़े लक्ष्य के लिए बन रहा है। और बड़ा लक्ष्य साधने के लिए सबको एक जगह इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर बहन मायावती जी अलग लड़ेंगी और कुछ पार्टियां एक दूसरे से मिलकर लड़ेंगी तो इसका फायदा सीधा बीजेपी को पहुंचेगा, फिर बीजेपी को हराना बेहद मुश्किल होगा। इसलिए कुमारी बहन मायावती जी जो हैं, वो इस देश में एक अकेली ऐसी नेता हैं जो 15-20% वोट को कहीं भी डाइवर्ट कर सकती हैं। और केवल उन्हें दलितों का नेता नहीं कहना चाहिए, वो इस देश के एक खास वर्ग को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे में अगर बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन उन दलों को साथ ले रहा है जो दल हमेशा से कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे, कांग्रेस की विचारधारा से भी अलग थे, जैसे शिवसेना और कांग्रेस, हमारी विचारधारा कभी एक नहीं हुई, लेकिन हमने शिवसेना को भी अपने साथ लिया। हमने इसमें और दूसरे दल ऐसे हैं जिनको, जिनसे हमारी विचारधारा का मेल नहीं खाता था, उन्हें अपने साथ ले रहे हम। तो मैं ये चाहता हूं कि पूरे देश के भविष्य का सवाल है ये, और अगर बीजेपी को आप हराना चाहते हैं और बहन मायावती जी को अलग रखना चाहते हैं, ये वैसा ही होगा जैसे 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ था, लेकिन बसपा को दूर रखा तो परिणाम खराब आया। और फिर दोबारा 2019 में अखिलेश यादव जी ने और बहन मायावती जी ने गठबंधन किया और कांग्रेस को दूर रखा तो भी परिणाम खराब आया। अगर बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरएलडी और बसपा, इन सबको एक साथ आना पड़ेगा और बड़ा दिल दिखाते हुए, अपने छोटे मोटे तमाम मतभेद भूलते हुए एक साथ आए तो बीजेपी को हराया जा सकता है। ये मेरा तो विचार है। जी, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मायावती तो एकला नीति के तहत चल रही है। उन्होंने पहले ही साफ कह दिया है कि वो किसी भी पार्टी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। तो क्या लगता है आपके ऑफर के बाद क्या कुछ हो सकता है? देखिए, बहन मायावती जी एक बहुत बड़ी लीडर है और बहुत ही समझदार, सुलझी हुई लीडर है। वो क्या फैसला करेंगी ये वो जाने। मैंने अपना विचार दिया है। मैंने ये थोड़ी कहा है कि जो मैं कह रहा हूँ वो मायावती जी मान जाएंगे। मैंने ये थोड़ी कहा, मैंने तो एक विचार दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश में बसपा को साथ लिए बिना कोई भी गठबंधन है तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। अगर बीजेपी को आप हराना चाहते हैं तो कुमारी बहन मायावती जी को साथ लेना चाहिए, ये मैंने कहा है। ठीक है, धन्यवाद प्रमोद जी हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू।